नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू पीएचजे इन्फोलॉग्स। और पीएचजे इन्फोलॉग्स में मैं आपका दोस्त, आपका भाई प्रसाद वापस एक बार सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केटीएम की नई आरसी 200 के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली 2021 में लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों, इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च क्या रहेगा और इसमें नए नए क्या चेंजेस है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो केटीएम इसके पहले, इस पेंडेमिक पीरियड के पहले, ज़्यादातर अपनी एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक पे और KTM की 125 की जो सीरीज थी उस अपग्रेड पे काम कर रहा था, और भी कई सारे जो अलग मॉडल्स है उस पर काम कर रहा था, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बन रहे हैं और सेल हो रहे हैं। तो इंडिया में जो आने वाले मॉडल्स है KTM RC 200 जैसे, तो इस मॉडल की इमेज देख के ऐसा लग रहा है दोस्तों कि KTM RC 200 के 2021 मॉडल पे इनको कुछ खास काम करने नहीं मिला है, या तो इनका डिज़ाइन पता नहीं कितना सक्सेस जाएगा। तो दोस्तों, इसके पहले जैसे मैंने आपको रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 की इमेजेस लीक हुई थी और उसका सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया था, कुछ दिनों के बाद रॉयल इनफील्ड के एक्चुअल शॉप में आने के बाद भी उसके मैंने सारे फीचर्स कवर किए थे। तो दोस्तों, ये इमेज वाकई सच में है या नहीं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ रूमर्स है, ऐसा भी आपको लग सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इमेज में पीछे देखेंगे तो आपको हस्क्यूरा, विट पिलियन जैसी भी बाइक्स पीछे दिखाई देगी, जो कि आपको बजाज केटीएम के शोरूम में दिखाई देती है, जहाँ पे उसका असेंबल होता है। सो दोस्तों, सोर्सेस और लीक्स के हिसाब से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसको बेस रख के मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो करंटली बाइक असेंबल हो रहा है वो बजाज के पुणे वाली चाकन प्रोजेक्ट की जो फैक्ट्री है, वहाँ पे ये बाइक करंटली असेंबल हो रहा है। तो इसमें अभी इन्होंने क्या क्या चेंजेस दिए हैं और आपको ये डिज़ाइन किस हद तक अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा, और मुझे कितना अच्छा लगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडलाइट से। अगर आप देखोगे एट प्रेजेंट जो KTM RC 200 है उसका हेडलाइट काफ़ी एग्रेसिव लुक देता है, जो कि दो आइस जैसा लगता है, किसी ट्रांसफार्मर या रोबोट जैसे एग्रेसिव लुक वाले इस बाइक में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है जो एट प्रेजेंट लुक है। और जो अभी नया इसका अपग्रेड है वो आप देख रहे हो, सीधा सीधा आपको यहाँ पे हेलोजन लाइट दिख रहा है। इसमें कोई आपको ट्रांसफॉर्मर या किसी रोबोटिक फेस जैसा नहीं लुक आएगा, ये आपको एकदम नॉर्मल लुक दे रहा है। साथ ही साथ RC 200 के इस नए मॉडल में आपको यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में LED DRS देखने मिलेगा, तो ये थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, जो कि पहले मॉडल में यहाँ पे देखने नहीं मिलता है। और साथ में आप इसका अगर विंडशील्ड देखोगे तो एज़ कम्पेयर टू पहला मॉडल जो है KTM RC 200 का, उससे इसका विंडशील्ड थोड़ा बड़ा किया गया है और थोड़ा ब्रॉडनेस भी इसको दिया गया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि KTM बाइक्स अपनी प्रीमियम एक्सेसरीज और टॉर्क की वजह से ज़्यादा फेमस है, तो जब भी आप ये बाइक टॉप स्पीड पे या ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पे चलाओगे तभी ये ब्रॉड विंडशील्ड आपको प्रोटेक्ट करेगा मैक्सिमम विंड ब्लास्ट से। तो ये एक नई KTM RC 200 के अपग्रेड का एक अच्छा एडवांटेज माना जा सकता है। बाकी इसमें दोस्तों टायर साइज वगैरह जो है उसकी कुछ खास लीक्स नहीं मिले, लेकिन इसमें दोनों भी ट्यूबलेस रेडियल टायर है और आपको इसमें WP के USD फोक्स मिलने वाले, जो कि पहली वाली KTM RC में थे। आपको यहाँ पे इसके चेसिस में थोड़ा सा चेंज देखने मिलता है। अगर आप इसकी चेसिस देखोगे तो ये बैक सीट तक पीछे की तरफ थोड़ी सी बैक सीट के अंदर जाई हुई आपको दिखेगी, तो यहाँ पे इन्होंने चेसिस और बैक सीट में भी थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप पहले की KTM RC 200 देखोगे, मतलब एट प्रेजेंट जो करंट मार्केट में चल रही है, उसकी सीट पे आपको थोड़ा सा काउल दिखाई देगा, यानी कि वो प्रॉपर सीट लगती नहीं है और आपको बैठने के लिए प्रॉपर पोर्शन लगता नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर सीट के लिए जगह की है और यहाँ पे आप ठीक से सीट पे बैठ पाओगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पे सीट दिया गया है, जो कि आपका नया मॉडल है KTM RC 200 का। सो गाइस, इसका अगर हम लोग इंजन देखेंगे तो ये आपको आएगा BS6 नॉम कंप्लायंट 200cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड 6-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 25 BHP और टॉर्क जनरेट करेगा 19.5 न्यूटन मीटर्स का। तो दोस्तों, इस पावर फिगर में थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये जहाँ तक मुझे लीक्स मिले हैं उस हिसाब से मैं आपको अप्रॉक्सीमेट पावर फिगर दे रहा हूँ, जो कि ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। तो दोस्तों, अभी आएंगे सीधा इसकी प्राइस पे। तो दोस्तों, अगर आप इसकी प्राइस देखने जाओगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली एक शोरूम इसका प्राइस मिलेगा 2,04,000 से लेकर 2,10,000 तक, और ऑन रोड आते ही इसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ भी जाएगा, जो कि RTO और इंश्योरेंस चार्जेस इसमें लगने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आप इस बाइक को लेने की सोच रहे हो तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड लॉन्च है 21 फरवरी से लेकर मार्च 2021 तक। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये बाइक KTM RC 200 का जो पहले का मॉडल है उसके सामने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये एज़ पर मेरा पर्सनल आपको एडवाइस है, मतलब हर किसी की सोच अलग अलग हो सकती है, आपको शायद नया मॉडल अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे जो है वो पुराना डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा। और पुराने डिज़ाइन का जो
हेडलाइट्स है उसकी, जो आईज जैसा तो उसका लुक है वो काफी मुझे अच्छा लगा और वो काफी किलर लुक देती है। अगर आप दोस्तों देखोगे तो KTM का जो मेन ब्रांड कलर है वो है ऑरेंज, व्हाइट और ब्लैक, तो ये तीन कलर में ही ज्यादा KTM जो है वो खेलते रहता है और ऑरेंज तो इसका सबसे मेन कलर है दोस्तों। और ऑरेंज कलर को लेके और KTM के लोगों को लेके जो बाइक के फियरिंग पे इनको काम करना चाहिए था वैसा काम एट प्रेजेंट के जो KTM RC 200 के फियरिंग पे काम नहीं हो पाया है वो आपको साफ साफ दिख रहा है। तो दोस्तों अगर कुछ ग्राफिक्स में भी अलग देते, थोड़ा कुछ शेप अलग कर देते, थोड़ा गुड लुकिंग करते तो ये बाइक शायद बिकने के ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन पता नहीं एक्चुअल में अभी असेंबल हो रहा है और असेंबल करते करते ये इसके साथ फियरिंग में और भी क्या क्या नए अटैचमेंट्स लाएंगे और डिस्क ब्रेक में भी काफ़ी सारे चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि अभी तक लीक्स में डिस्क ब्रेक को वगैरह लेके कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो दोस्तों इसमें और भी कुछ चेंज हो सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को KTM RC 200 का पुराना वाला मॉडल ही अभी तक तो पसंद आने वाला है। बाकी जब इसकी सारी इमेजेस नेट पे अनवील्ड होगी या शॉप में भी ये आ जाएगा तब तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका शूटिंग निकाल के और साथ में इसके फीचर्स भी मैं बता दूंगा। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आपको ये बाइक कैसा लगा, कि आप ओल्ड डिज़ाइन के अभी भी फ़ैन है या आपको नया डिज़ाइन थोड़ा भी पसंद आया है। और 100 में से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम 5 या 6 लोग ही रहेंगे जिनको ये नया डिज़ाइन पसंद आया रहेगा। बाकी मैं इतना श्योर हूँ मेरे व्यूवर्स को लेके कि काफ़ी सारे लोगों को जो है वो ओल्ड KTM RC 200 पसंद आएगा। सो अभी तक की KTM की जितनी भी बाइक थी 2020 तक की वो अपने डिज़ाइन और प्रीमियम एक्सेसरीज के साथ काफ़ी अच्छा लुक दे रही थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो KTM की जो कुछ बाइक्स अभी लॉन्च हुई है जैसे कि आप देखोगे KTM ड्यूक 125, KTM एडवेंचर 250 और 790 वगैरह जैसी भी जो बाइक्स है दोस्तों उसका एडवेंचर सीरीज़ में एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन नहीं है। अगर आप KTM की एडवेंचर बाइक कावासाकी वर्सेस ट्रम्प की जो बाइक है और बेनली TR के जैसी बाइक के साथ भी आप कंपेयर करोगे तो डिज़ाइन उतना अच्छा लुक नहीं देता। सो गाइज इस नई KTM RC 200 का पावर फिगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के कारण जो माइलेज भी है वो चलो ये 30 से लेके 35 तक आपको माइलेज दे देगा। अगर कोई भी इंडियन या इंडिया का जो पब्लिक है वो जब भी बाइक लेता है वो थोड़ा बहुत रिसर्च करता है डिज़ाइन पे या इंजन पे और उसके पावर फिगर पे। और दोस्तों अगर आप लॉन्ग जर्नी लॉन्ग टूरिंग करना काफ़ी पसंद करते हो तो आप सबसे पहले इस बाइक में देखोगे सिटिंग कम्फर्ट, लेकिन ये बाइक RC सीरीज़ का यानी कि रेसिंग सीरीज़ का होने की वजह से आप इस बाइक में लॉन्ग टूरिंग ज़्यादा नहीं कर पाओगे क्योंकि जितनी भी RC सीरीज़ की रेसिंग सीरीज़ की जो बाइक्स आती है वो स्पोर्ट्स बाइक मानी जाती है और स्पोर्ट्स बाइक का आपको टैंक पता है वो थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा पीछे रहता है तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा बैक में थोड़ा सा डाउन होकर झुक के बैठना पड़ता है। तो आप इसमें सिटिंग कंफर्ट तो उतना देखोगे नहीं लेकिन इसकी लुक्स और ज़्यादा इंजन पावर को देखोगे। तो दोस्तों फाइनली ये बाइक ऑन रोड आते आते 210,000 के ऊपर चला जाता है और हम लोग को जब भी इतना इन्वेस्ट करने के बाद इसमें सिर्फ इंजन पावर मिलता है और लुक्स और ग्राफिक्स बाइक में मिलते नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे ये मार्केट में डाउन हो जाता है और एज़ कम्पेयर टू इसके कॉम्पिटिटर का जो सेल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि यामा R15 और भी कई सारी रेसिंग सीरीज़ की जो इसके आसपास की बाइक है जो कि अच्छा लुक्स देती है उन बाइक का सेल बढ़ने के चांस होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेरीज रहेंगी और आपके भी कुछ इस मॉडल को लेके कमेंट्स रहेंगे तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो गाइज आपको KTM RC 200 की और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन अगर पढ़नी रहेगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सो गाइज अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं और भी कई सारे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।